अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो गाइस फाइनल का लास्ट मैच आ चुका है यहाँ पर, सेकंड मैच फाइनल का, टूर्नामेंट का भी लास्ट मैच है। तो लेट्स सी कौन टीम विन करती है। बीएसके प्लेयर इन लोगों ने पिछले मैच में चिकन डिनर किया था, तो डीएस की तरफ से कहा गया था कि इनको किसी लेवल 27 के प्लेयर ने मारा है, तो वो मैंने लेवल दिखा दिया है बीएसके प्लेयर का। कल लेवल 61 है, 25 टीम्स ने अभी तक ज्वाइन किया है, तो लेट्स सी के कौन सी टीम जीत करती है। बीएस ने लास्ट मैच विन किया था 10 किल के साथ, उनके साथ टाइटन वाले थे सेकंड पोजीशन पे उनके 9 किल से। इन दो टीम्स के बाद काफ़ी अच्छा चांस है कि ये लोग इस टूर्नामेंट को विन कर सकते हैं। बाकी टीम्स जो उनसी हैं जो 5, 4, 5, 6 पे आई थी, उनके पास भी चांस है। अगर वो लोग इस मैच में अच्छा खेलते हैं तो वो लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारे एक्स कश्मीरी भाई आए हैं, स्पेक्टेट करने के लिए, स्पेशल चीफ गेस्ट। एन एम के डेविल भी इस मैच में खेल रहे हैं, लास्ट दो मैचों से वो नहीं खेले थे, स्टिल वो टॉप 5 के लीडर्स में थे। तो लेट्स सी कि उनकी टीम इस मैच में कैसे परफॉर्म करती है। लास्ट मैच में तो वो अर्ली खेल हो गए थे, तो इस मैच में इनको अच्छा खेलना होगा अगर उनको ये टूर्नामेंट विन करना है। तो साइको की टीम भी अच्छा खेली थी पिछले मैच में। इन प्लेयर जो उनसे हैं लगता है उनका डिस्कनेक्ट हो गया, वो लोग बाहर निकल गए। 48 प्लेयर्स। चलें स्टार्ट करते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो 48 प्लेयर्स ने ज्वाइन किया रूम। लेट्स सी कौन सी टीम लेके जाती है चिकन डिनर, कौन सी टीम टूर्नामेंट को विन करती है और बनती है डुओ चैंपियनशिप विनर। पिछले मैच के एमवीपी बीएस। फ्लैट मार्च जो है वो जा रहा है पायलट प्लाजा से शूटिंग रेंज की तरफ, तो लेट्स सी टीम्स कहाँ उतरती हैं। बीएस वाले तो और टाइटन वाले आई थिंक थोड़ा सा सेफ खेलने जाएंगे क्योंकि उन लोगों के पास पॉइंट अच्छे हैं। अगर वो लोग टॉप फाइव में आते हैं तो उनके पास काफ़ी अच्छा चांस हो जाएगा क्वालिफाई करने का, लेकिन बाकी सब टीम्स को यहाँ पर किल्स निकालने होंगे अगर उनको ये टूर्नामेंट विन करना है। तो लेट्स सी कौन सी टॉप टीम और ड्रॉप्स करती हैं यहाँ पे। पायलट प्लाजा की तरफ काफ़ी टीम्स गई हैं, ऊपर चर्च वाली साइड पे एफएमजी की टीम गई है।
बीएस लूसीफर यहाँ पे नॉक हो गए हैं ओरासाइम की तरफ से। तो बीएस की टीम यहाँ स्टेडियम आई थी, उनका यहाँ पे प्लेयर डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे 1-2 सिचुएशन है। बीएस के सेकंड प्लेयर की हेल्प यहाँ पे लो है और यहाँ पे बीएस की टीम यहाँ पे फिनिश होती हुई अर्ली, बहुत अर्ली यहाँ पे बीएस की टीम फिनिश होती हुई। तो एक तरह से अब सब टीम्स के पास चांस आ गया कि वो लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बीएस की टीम यहाँ पे बिल्कुल अर्ली फिनिश होती हुई। एमजी आमना भी यहाँ पे नॉक हुई हैं वेगा की तरफ से। तो अब सब टीम्स के पास काफ़ी अच्छा चांस है, वो लोग अगर हाई किल्स करते हैं तो उनके पास काफ़ी अच्छा चांस होगा क्वालिफाई करने का, क्योंकि उन जो टीम खास तौर पे टॉप 5 या टॉप 10 में आई थी लास्ट मैच में, उनके पास तो और भी अच्छा चांस होगा, क्योंकि बीएस तो बहुत अर्ली यहाँ पे फिनिश होती हुई। नेम में के 47 भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं साइको वाले की तरफ से। साइको सुपरमैन, साइको बनी ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा खेला है। लेट्स सी के आज फाइनल के लास्ट मैच में वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उन लोगों के पास भी चांस है। ये लोग भी लास्ट मैच में आई थिंक 6th पोजीशन पे आए थे, इनके पास भी चांस है। अगर ये लोग अच्छा खेलते हैं तो इनके पास भी टूर्नामेंट विनर करने के चांसेस हैं। एक खेल से इन्होंने अभी ले लिया है नई में की 47, इनके सेकेंड प्लेयर आई थिंक इनसे दूर है। लियो क्राइडर, लियो उमर फर्स्ट ड्रॉप आ चुका है यहाँ पे। माफिया एफ एम जी, ऐसी माफिया और यहाँ पे एफ एम जी की टीम आमने सामने आ चुकी है। मिस्टर सुफियान यहाँ पे नॉक होते हुए पायलट प्लाजा में, यहाँ पे मिस्टर वालों की और एनएम वालों की फाइट होती हुई। यहाँ पे मिस्टर सुफियान यहाँ पे नॉक है, मिस्टर गुरु यहाँ पे बचे हुए हैं, एनएम फ्लिकर यहाँ ऊपर की तरफ है और एनएम डेविल नीचे की तरफ है। यहाँ पे बिल्कुल सामने है एनएम फ्लिकर के और यहाँ पे दोनों प्लेयर यहाँ पे फायर करते हुए, मिस्टर गुरु यहाँ पे फिनिश होते हुए, इसके साथ ही मिस्टर की टीम भी यहाँ पे फिनिश होती हुई और इनका भी सफ़र इस टूर्नामेंट में ख़त्म होता हुआ। एम जी के प्लेयर यहाँ पे नॉक हैं, इनसेन यहाँ पे ट्राई करेंगे किल निकालने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर टीम जोन के अंदर हैं, सिर्फ कुछ टीम हैं जिनको जोन के अंदर आना होगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर में जोन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो सर्कल के अंदर आना होगा सब टीम्स को। इनसेन यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे सामने इनके साइबर की टीम है, टॉक्सिक नोमी ने यहाँ पे यार माफिया को यहाँ पे नॉक कर दिया है। एफ एम जी कैप्टन यहाँ फिनिश होते हुए, उम माफिया ने एफ एम जी यसीर को यहाँ पे फिनिश किया है। तो इस तरह एफ एम जी की टीम यहाँ पे फिनिश होती हुई, टॉक्सिक वर्सेस माफिया की फाइट है। यहाँ पे माफिया के एक प्लेयर नॉक थे, यहाँ पे वेगा की टीम यहाँ पे पुश करती हुई साइबर वालों के ऊपर, डेविल ने ऊपर से फायर दिए टकास को, टकास यहाँ पे नॉक होते हुए, और दूसरी तरफ स्कूबी की हल्लो है, स्कूबी यहाँ पे नॉक होते हुए इंसेन की तरफ से। तो 1-1 फाइट यहाँ पे हो चुकी है गाइस, लेट्स सी कौन ये फाइट लेके जाता है। डेविल ने यहाँ पे पूरा फिनिश किया टकास को, लेकिन यहाँ पे खुद स्पॉट हुए और फिनिश हो गए यहाँ पे इंसेन की तरफ से। तो इंसेन यहाँ पे 2 किल्स यहाँ पे लिए, लेकिन वेगा का एक प्लेयर यहाँ पे फिनिश होता हुआ। तो इस तरह वेगा के पास 2 किल्स तो आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक प्लेयर यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। साइको की टीम यहाँ पे सर्कल के अंदर वेट कर रही है, ओरा के फाइटर यहाँ पे नॉक हो गए हैं अल्फा की तरफ से। अल्फा के सेकंड प्लेयर यहाँ पे जाते हुए साइको की टीम की तरफ
और सब उन्होंने से यहाँ से भाग के जाए, लेकिन इनको नहीं पता उनके सामने यहाँ पे आरडीएस की टीम यहाँ पे फिनिश होती है ओरा वालों की तरह से। तो ओरा वाले आज काफ़ी अच्छा खेलते हुए, पहले उन्होंने बीएस को यहाँ पे फिनिश किया स्टेडियम में, और अब उन्होंने आरडीएस को भी यहाँ पे फिनिश करते हुए। लॉर्ड वर्सेज यहाँ पे हो गया एमजी, मैट वर्सेज लॉर्ड हो गया यहाँ पे। लॉर्ड टाइटन यहाँ पे नॉक है, यहाँ पे दूसरी तरफ मैट नोमी नॉक हो चुके हैं। तो वन वर्सेज वन फाइट है यहाँ पे, मैट नोमी वर्सेज लॉर्ड सैम, मैट जी वर्सेज लॉर्ड सैम यहाँ पे फाइट हो चुकी है। यहाँ पे गाइस बैंडेज लगा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटन खान की तरह से यहाँ पे शोर्स आते हुए, और लॉर्ड की टीम यहाँ पे फिनिश होती हुई टाइटन खान यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए। चांस अच्छा है अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हैं मैट वालों के ऊपर, क्योंकि एक प्लेयर ऑलरेडी नॉक है यहाँ पे मैट का। T24 यहाँ पे आ चुकी है पीछे टाइटन के, टाइटन के एक ही प्लेयर आए हैं टाइटन टकास, जिन्होंने पिछले मैच में 9 किल्स किए थे, वो इस मैच में ज्वाइन नहीं कर सके आई थिंक, डिस्कनेक्ट हो गए। टॉक्सिक की टीम ने यहाँ पे पुश किया यहाँ पे, इनको नहीं पता आई थिंक कि उनके ऊपर एक प्लेयर ऑलरेडी है। फुल स्टेप आ चुके हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ऊपर, लेकिन वो प्लेयर ऊपर है। टॉक्सिक खान यहाँ पे टीपी भी ले रहे हैं ताकि कोई अगर प्लेयर ऊपर आता है तो उसको इजीली नॉक कर सकें। टॉक्सिक खान के लिए अब थोड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनके नीचे भी एक टीम आ चुकी है, उनके राइट साइड पे भी एक टीम है, उनके लेफ्ट पे भी एक टीम है, तो उनको यहाँ से उनका यहाँ से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। अल्फ़ा वायरस यहाँ पे नॉक होते हुए एनएम डेविल की तरफ से, तो एनएम की यहाँ पे फाइट होती हुई अल्फ़ा के साथ, वायरस यहाँ पे नॉक है। बासी यहाँ पे बचे हैं, बासी की हेल्थ भी यहाँ पे फुल लो, 1 HP यहाँ पे, एक बुलेट यहाँ पे लगनी है और बासी यहाँ फिनिश, और ये बासी यहाँ पे फिनिश होते हुए एनएम डेविल की तरफ से। तो डेविल यहाँ पे अपना बताते हुए कि वो आज खेल रहे हैं यहाँ पे, 2 kills यहाँ पे ले चुके हैं यहाँ पे एनएम डेविल। साइको की टीम यहाँ पे है, इनके सामने ओरा के सेकंड प्लेयर बचे हुए हैं जो वहाँ से फाइट छोड़ के आए थे अल्फा के साथ। स्टार डेविल यहाँ पे गाड़ी में आई थिंक ऑफलाइन है यहाँ पे, हम स्टार हमसा ओपी यहाँ पे मौजूद इनके सामने। एमजी वैसे तो डीएस अथीना यहाँ पे एमजी आमना को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। डीएस के एक प्लेयर नॉक थे यहाँ पे, लेकिन एमजी आमना को यहाँ पे फिनिश करते हुए डीएस के अथीना। तो लेट्स सी कि स्टार वाले यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आते हैं, क्योंकि एक प्लेयर नॉक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ स्टार का एक प्लेयर भी ऑफलाइन लग रहा है, तो इसलिए लगता नहीं है कि यहाँ पे स्टार हमसा यहाँ पे थर्ड पार्टी करने जाएंगे। ओरा वाले भी यहाँ पे आ चुके हैं, इनके सामने हैं मैड टाइटन खान यहाँ ऊपर, मैड नोमी और मैड यहाँ फिनिश होते हुए टॉक्सिक की तरफ से। तो टॉक्सिक की टीम यहाँ फिनिश होती है, और टाइटन खान को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया है क्लियो क्राइडर ने। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि टाइटन के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल से चल, और ओरा वाले ने यहाँ पे पुश कर दिया टाइटन वालों के ऊपर, थर्ड पार्टी करने आए हैं लोग, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिक नोमी ने यहाँ पे ओरा साइन को यहाँ पे नॉक कर दिया है, और अफलातून भी यहाँ पे फिनिश होते हुए। तो टॉक्सिक की टीम यहाँ पे ओपी खेलती हुई, पहले इन लोगों ने मैड की टीम को फिनिश किया, और अब साथ ही ओरा की टीम को भी यहाँ फिनिश किया, जो कि बहुत ओपी खेलती थी स्टेडियम के अंदर, 2 teams को यहाँ पे फिनिश करके आ चुकी थी। यहाँ पे दूसरी तरफ साइको बनी ने यहाँ पे फिनिश किया आई थिंक वेगा के इनसेन को, तो वेगा की टीम भी यहाँ पे फिनिश होती हुई। थंडर के एक प्लेयर यहाँ पे आए हुए हैं किलर 47, डीएस की टीम यहाँ पे जोन के अंदर डैमेज ले रही है, टॉक्सिक की टीम यहाँ जोन के अंदर डैमेज ले रही है, लियो क्राइडर यहाँ पे किलर 47 के ऊपर यहाँ पे आई थिंक रेड जोन गिर बम गिरा है, जिसकी वजह से ये फिनिश होते हुए यहाँ पे रेड जोन के अंदर। टॉक्सिक की टीम यहाँ पे जोन के अंदर मूव कर रही है, लियो की टीम यहाँ जोन के अंदर मूव कर रही है, डीएस की टीम अभी तक सर्कल के बाहर है, उन लोगों को भी जोन के अंदर आना है। इस टाइम साइको की टीम अंदर है जोन के, वैनम T24 वैनम के यहाँ पे नवीन नॉक हुए हैं T24 की तरफ से, वैनम के मोहित यहाँ पे बचे हैं, T24 गोस्ट वर्सेस वैनम मोहित
स्पाइडर यहाँ पे पुश करते हुए, एक प्लेयर बचा यहाँ पे वैनम का, तो दोनों प्लेयर पुश कर रहे हैं यहाँ पे वैनम के प्लेयर के ऊपर। लेट्स सी के वैनम के प्लेयर यहाँ पे वन में से टू कर सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे T24 स्पाइडर ने यहाँ पे शॉट्स दिए और गोश्त ने यहाँ पे फिनिश करते हुए, यहाँ पे स्पाइडर ने यहाँ पे वैनम मोहित को फिनिश कर दिया। तो इसके साथ ही वैनम की टीम यहाँ फिनिश होती है। और साथ ही स्टार हमजा ने यहाँ पे T24 गोश्त को यहाँ पे नॉक कर दिया। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे होती हुई स्टार हमजा यहाँ पे ग्रेनेड कर रहे हैं, और ये ग्रेनेड जाता है तो दोनों प्लेयर्स, लेकिन ग्रेनेड थोड़ा दूर गया T24 से। यहाँ स्टार हमजा आगे आ रहे हैं, लेकिन स्टार हमजा को यहाँ पे दोनों तरफ से शॉट्स पड़ते हुए। इनके लिए एक बात ये भी है कि इनका एक प्लेयर ऑफलाइन है, इसकी वजह से इसको यहाँ से मूव करना होगा। लेकिन यहाँ पे नॉक होते हुए स्टार डैनी की तरफ से स्टार हमजा यहाँ पे निकल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रुकना ओपन में उनके लिए ख़तरा कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पर मूव करते हैं। और यहाँ पर टॉक्सिक टीम यहाँ पे ओपी खेलती हुई T24 की टीम को यहाँ पे फिनिश कर दिया यहाँ पे टॉक्सिक की टीम ने। टॉक्सिक की टीम के पास इसका 9 किल्स हो चुके हैं, तो ये लोग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी किल्स ले चुके हैं। तो अभी लास्ट के 10 प्लेयर्स अलाइव हैं, तो अगर ये लोग और किल्स निकालते हैं और चिकन डिनर करते हैं तो इनके 100% चांसेस हैं कि ये लोग टूर्नामेंट विन कर सकते हैं। 6 टीम्स हैं, 10 प्लेयर्स अलाइव हैं, स्पेशल की पूरी टीम है, डीएस की टीम है और टॉक्सिक की टीम है, और इसके साथ साथ लियो की टीम है। 4 टीम के 2-2 प्लेयर्स मौजूद हैं। इसके साथ साइको बनी अकेले हैं यहाँ पे साइको की तरफ से, और दूसरी तरफ स्टार हमजा अकेले हैं। और लेट्स सी कौन सी टीम यहाँ पे लेके जाती है चिकन डिनर। जो भी टीम चिकन डिनर लेके जाएगी उसको हाई किल के साथ चिकन डिनर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डीएस वाले भी गाड़ी के अंदर जोन के अंदर आ चुके हैं, सर्कल के अंदर लोग ये लोग अब जाएंगे। लेट्स सी कौन सी जगह ये होल्ड करते हैं। लियो क्राइडर वैसे यहाँ पर डीएस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों टीम ने फाइट ना लेने का सोचा है, दोनों यहाँ पर सर्कल की तरफ जाते हुए। गाड़ी यहाँ पे रुकी है इसके सामने बिल्कुल, यहाँ पे साइको बनी यहाँ पे लेटे हुए हैं। लेट्स सी के यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं कोई कि नहीं, अकेले यहाँ पे लेटे हुए हैं सर्कल के अंदर। फाइट ही लेना चाहेंगे अभी, लास्ट पे जाके फाइट लेने की कोशिश करेंगे। स्पेशल डैनी यहाँ पे हैं, डीएस वाले यहाँ पे, लियो वाले यहाँ पे आ चुके हैं। लियो वालों ने यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे फाइट की, यहाँ पे स्पेशल डैनी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, स्पेशल के किंग यहाँ पे बचे हैं, लियो उमर यहाँ पे हैं, लियो उमर यहाँ पे नॉक होते हुए, लेकिन लियो क्राइडर ने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। यहाँ पे लियो उमर को रिवाइव देंगे यहाँ कल, लेकिन डीएस वाले यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे दूसरी तरफ टॉक्सिक वाले भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के चांस है, डीएस थी ना यहाँ पे अंदर घुसते हुए, और यहाँ पे लियो की टीम यहाँ पे फिनिश होती हुई। तो इस तरह लियो का सफ़र भी यहाँ पे इस टाइम में ख़त्म होता हुआ। डीएस की टीम यहाँ पे 3 किल के साथ आ चुकी है, दूसरी तरफ टॉक्सिक की टीम भी यहाँ पे बाहर आ चुकी है। तो टॉक्सिक की टीम को यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी कहते हैं उनको ग्रेनेड करने चाहिए यहाँ पे, एक नॉक अगर उनको मिलता है तो वो लोग यहाँ पे पुश कर सकते हैं। लेकिन डीएस की टीम के पास भी यहाँ पे एस्ट्रल के मौजूद है, तो इसलिए बगैर नॉक के अंदर आना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं होगा। 4 टीम्स अलाइव हैं, 6 प्लेयर्स अलाइव हैं, 2 टीम के यहाँ पे 2-2 प्लेयर्स हैं, जबकि 2 टीम के पास यहाँ पे 16 प्लेयर्स खेल रहे हैं। स्टार हमजा यहाँ पे आते हुए, स्टार साइको बनी यहाँ के जोन के अंदर मूव कर रहे हैं। स्टार हमजा यहाँ पे स्क्वाड हाउस की तरफ आते हैं, यहाँ पे पहले से 2 टीम यहाँ पे मौजूद हैं। स्टार हमजा को यहाँ पे ख़तरा हो सकता है, यहाँ पे बाहर इनकी टॉक्सिक की टीम है, अंदर डीएस की टीम है। यहाँ पे डीएस लेविनो ने यहाँ पे शॉट लेने चाहिए हैं टॉक्सिक नॉमी के ऊपर, टॉक्सिक नॉमी यहाँ पे साइको बनी की तरफ से यहाँ पे नॉक होते हुए, और यहाँ पे फिनिश भी कर दिया यहाँ पे साइको बनी ने, किल कंफर्म किया यहाँ पे बनी ने, और किले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिस टीम को भी चिकन निकालने उनके लिए किल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो साइको बनी ने इसी तरह किया है, उन्होंने किल नॉक किया साथ ही फिनिश किया ताकि किल कन्फर्म हो। यहाँ पे कोई भी टीम इस टाइम सर्कल के अंदर नहीं है, सबको सर्कल के अंदर ग्रेनेड के यहाँ पे टॉक्सिक खान ने, यहाँ पे स्टार हमजा भी अंदर है, डीएस की टीम भी अंदर है, यहाँ पे
स्टार हमजा के ऊपर यहाँ पे पुश किया है डीएस वालों ने। डीएस ने यहाँ पे अथीना ने यहाँ पे स्टार हमजा को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। यहाँ पे टॉक्सिक खान यहाँ पे नीचे खड़े हैं, डीएस वाले नीचे आए हैं। टॉक्सिक खान वर्सेस डीएस और यहाँ पे टॉक्सिक खान फिनिश होते हुए डीएस लेविनो यहाँ पे भी साइको बनी की तरह से यहाँ पे नॉक होते हुए, तो वन वर्सेस वन फाइट हो चुकी है यहाँ पे साइको बनी वर्सेस अथीना। लेट्स सी कि कौन ये चिकन डिनर लेके जाता है। डीएस के पास 5 किल हैं यहाँ पे, साइको के पास यहाँ पे आई थिंक 7 किल्स हैं। साइको ने यहाँ पे पुश किया है, जोन के अंदर भी जाना है, डैमेज हो रहा है दोनों प्लेयर्स को। यहाँ पे साइको बनी ने यहाँ पे किल किया, साइको का चिकन डिनर आता हुआ यहाँ पे 8 किल यहाँ पे साइको बनी के चिकन डिनर निकाला है अपनी टीम के लिए। डीएस के पास 5 किल हैं। टॉक्सिक वाले ओपी खेलते हुए 9 किल के साथ, तो इन टीम्स में से कोई ना कोई टीम यहाँ पे आई थिंक लेके जाए।